हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स फैंटम। माय नेम इज मनीषा। और गाइस, आज मैं आपको हीट एंड टेम्परेचर बताऊंगी। वैसे तो ये दोनों बहुत ही कॉमन से टॉपिक है, मतलब कि हीट ऊष्मा क्या होता है, सबको पता है ये चीज। और अभी जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, उस तरीके से तो आपको बिल्कुल आइडिया लग ही गया होगा हीट और टेम्परेचर दोनों आपस में किस तरीके से कोरिलेट करते हैं और क्या इनके इम्पोर्टेंस होती हैं। लेकिन जो इनकी बेसिक डेफिनेशन है ना कि लाइक हीट क्या होता है, ऊष्मा क्या होती है, या फिर टेम्परेचर जिसे तापमान कहते हैं वो क्या होता है, इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। दैट इज कि मानिए कि जैसे सपोज आपके पास में क्वेश्चन क्या आता है, जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर कोई भी एग्जाम में आप जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उनमें बेसिकली आप क्वेश्चन किस टाइप से देखते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है। तो सबसे पहली चीज तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ओके, तो वो भौतिक राशि होती है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी आपको गिवन है, उसकी सबसे ज्यादा जो चीज पूछी जाती है वो ये कि उसकी वो चीज जो है ना, जो भी आपको क्वांटिटी गिवन है वो स्केलर है या वेक्टर है, मतलब कि सदिश राशि है या अदिश राशि है, या फिर उसकी एसआई यूनिट्स, इस टाइप से ना क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो ये जो है ना, इसमें मुझे मतलब ये बहुत ही छोटे छोटे आंसर्स आपको देने हैं, लेकिन स्टिल मैं ये पूरा कंप्लीट इसको समझा रही हूँ, ताकि मानिए कि आप में से किसी को अगर हीट का नहीं कंसेप्ट क्लियर होता, नहीं टेम्परेचर समझ में आता, तो वो चीज भी समझ में आ जाए, प्लस जो आपके क्वेश्चन जो है, जो डाउट है, या फिर जो क्वेश्चन एग्जाम में या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो चीजें भी आपको क्लियर हो जाए। तो ये जो वीडियो है हीट एंड टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और जैसे गर्मी बढ़ रही ही है, उस हिसाब से तो आपको तब बहुत ज्यादा मेहनत अब ऑनलाइन ही करनी पड़ सकती है। वैसे मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, वो दी बेस्ट होती है। बट स्टिल मतलब कि छोड़िए ये सब, बट जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा सकते हैं, प्लीज वीडियोस को शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचे। और थैंक यू इस चीज के लिए कि इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के को एंड तक देखिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो लाइक डिजर्व करती है, तो फिर मुझे दोबारा बोलना नहीं पड़ेगा कि वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपको तब तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। नाउ कम टू द टॉपिक। सबसे पहली चीज इसमें गिवन है गाइस कि हीट क्या होता है। हीट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। ऊष्मा को हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू कैपिटल क्यू, जो चार्ज का भी एक सिंबल होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हीट की, तो आपको सिर्फ उस पर अभी फोकस करना है। नाउ हीट जो है ना, इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। क्या होती है हीट? एक फॉर्म होती है एनर्जी की, विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर। अब जब कभी भी टेम्परेचर में चेंज आता है, टेम्परेचर मीन्स कि तापमान में किसी भी टाइप का चेंज आता है, चेंज बेसिकली आएगा, या तो वो बढ़ सकता है टेम्परेचर, या फिर कम हो सकता है। कम होता है तो मतलब होते होते जैसे माइनस में चला जाए, तो वहां पे आइसिंग वाली सिचुएशन होती है, बर्फ गिरती है, या इस टाइप से जैसे कि शिमला साइड में चले जाइए, अंटार्कटिका ओशंस वगैरह में आप देखेंगे, तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर किसमें होता है? माइनस में होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या हो जाती है? आइसिंग हो जाती है। सेम चीज अगर टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ने का मतलब जैसे अभी के टाइम में जो हो रही है गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो टेम्परेचर क्या है? बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है? गर्मी हो जाती है। तो जो ये हीट है ना, ये कंसेप्ट में जो स्टेटमेंट है, ये यही चीज गिवन है कि सबसे पहली चीज तो हीट क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की, मतलब कि एनर्जी की ही एक टाइप है, एनर्जी का ही एक प्रकार है। उसके अलावा ये कब होता है? जब कि टेम्परेचर में क्या होता है, जब भी तापमान क्या होगा? बढ़ने लगेगा। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर में क्या लेकर आता है? तापमान में चेंज लेकर आती है ऑफ द बॉडी, एंड इट प्रोड्यूस सेंसेशंस ऑफ वार्मथ। वार्मथ मतलब कि क्या हो गया? गर्माहट। तो हीट बेसिकली क्या चीज हो गई है? जब आपको गर्मी फील होने लगे। हीट ऊष्मा से रिलेटेड होती है। जब भी आप विंटर्स में वार्मर क्लोथ्स पर पहनते हैं, वो तो क्या होते हैं? वो थर्मो क्लोथ्स होते हैं, मतलब कि जिसके अंदर हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, मतलब कि जो हमारी बॉडी की हीट जो रिलीज हुई है वो एक्सचेंज नहीं हो पाई है। तो हीट बेसिकली जब भी आप बात करेंगे तो किसी गर्म चीज, गर्माहट से रिलेटेड बात करेंगे, यही इसमें स्टेटमेंट में गिवन है। सो स्टेटमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट स्टिल मैंने लिखी है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मुझे आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी थी। इसके बाद में जो चीज है ना, वो इंपॉर्टेंट पूछी जाती है एग्जाम में, है ये चीज कि ये क्या है। सबसे पहली चीज तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है,
गाइस फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स में होती है, एक होती है स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको मुझे वेक्टर क्वांटिटी का बताना है, कोई भी एक सिंगल एग्जांपल जो भी आपको याद आ रहा हो या आपने रिसेंटली पढ़ा हो उसको वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल आप देंगे। स्केलर क्वांटिटी का मैंने ऑलरेडी अभी एक दे दिया है हीट, और एक नेक्स्ट मैं आपको दूंगी दैट इज टेम्परेचर। वैसे मैंने बता दिया, देखिए अभी स्टार्टिंग क्योंकि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम अदिश राशि कहते हैं। इसके बाद में इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो जूल्स होती है, और सीजीएस यूनिट इसकी क्या होती है, कैलोरीज होती है। कोई भी आप जो फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसमें ना आपके पास यूनिट्स पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि जो यूनिट्स है ना वो एग्जाम में पूछी जाती है। नाउ सबसे पहली चीज जो आपको याद में रखनी है हीट वाले कंसेप्ट से, कि जो ये हीट है, ऊष्मा है, जिसे क्यू से डिनोट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। पहला पॉइंट आपका बन गया ये। सेकेंड पॉइंट जो है ना वो ये कि जो एसआई यूनिट होती है हीट की वो आपको पता होनी चाहिए, प्लस आपको सीजीएस यूनिट पता होनी चाहिए। अब जूल्स और कैलोरीज दोनों वर्ड्स से आप फेमिलियर होंगे, आपने सुना भी होगा। इसके अलावा जो कैलोरीज वर्ड, एक बार माइट बी कि आप जूल्स थोड़ा नहीं भी आपको माइंड में स्ट्राइक करा, लेकिन कैलोरीज वर्ड जो है ना ये आप बहुत बार सुनते हैं। अगर आप जिम फेमिलियर है तो आप डेफिनेटली सुनते हैं कि हम खाना खाते हैं या फिर जो वर्कआउट करते हैं, मतलब जब जिस सेंस में हमारी बॉडी की कैलोरीज क्या हो रही है, बर्न हो रही है। तो ये कंसेप्ट वहीं से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे, बाकी इसमें इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। ये सिर्फ मैंने एज अ मतलब ट्रिक की आप इस चीज को याद रख सके, इसलिए ये चीज मैंने यहाँ पे बोली है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक हीट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्केलर क्वांटिटी होती है, मींस कि आपको स्केलर वेक्टर में डेफिनेशन में पता होना चाहिए कि ये कौन सी वाली होती है इनके डिफरेंस के बेसिस पे। सेकेंड वन इसकी सीजीएस और प्लस एसआई यूनिट, ये भी दोनों चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए। इसके बाद में स्केलर जो हीट है, हीट मीन्स की ऊष्मा मीन्स की क्यू। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज टेम्परेचर, तापमान। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हम हीट और टेम्परेचर पढ़ेंगे। वैसे आज के हिसाब से ना टेम्परेचर ये कंसेप्ट ना बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आज ऐसा हो भी रहा है। ओके नाउ टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। गाइस जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे ना, तो ना आप उसको हॉटनेस से डिफाइन करेंगे ना आप उसको कोल्डनेस से डिफाइन करेंगे, मतलब कि ये दोनों से ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। स्पेशली ना आप ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ता है या फिर गर्मी बढ़ती है तभी हम टेम्परेचर राइज होना कह सकते हैं, या फिर ठंड होती है तभी आप टेम्परेचर वाला कंसेप्ट ला सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टेम्परेचर जो है ना वो डिग्री ऑफ हॉटनेस प्लस डिग्री ऑफ कोल्डनेस दोनों के ऊपर अलग अलग केसेस में डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या करता है, डिपेंड कर सकता है। टेम्परेचर की बात जब भी आप करेंगे, तापमान की बात, तो इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो उस टाइम पे क्या होगी, गर्मी होगी। बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है। आज की डेट में जो गर्मी का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो सब क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। अब ये सब आप समझदार होंगे कि ये हम ऐसी हमारी क्या ह्यूमन एक्टिविटीज हैं या किस तरीके से ह्यूमन हमारे अपने ही एनवायरमेंट को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। आप सब इससे फेमिलियर होंगे। सो पढ़े लिखने होने का ना ये आपको बेनिफिट होना चाहिए कि आप उन कॉन्सिक्वेंस को या वो जो वजह है, बहुत सारे जो रीजंस है जो आप अपनी डे टू डे लाइफ में आसपास में देखते हैं, उसको कुछ लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नाउ सोशल मैसेज नहीं, टॉपिक की बात में करती हूँ। तो क्या होता है ये टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हॉटनेस का मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। कोल्डनेस का मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जिसकी वजह से जैसे सपोज माइनस में भी चला जाए। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था जहां पे बर्फ वगैरह होती है, बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है तो वो चीज क्या हो जाती है, वहां पे कोल्डनेस हो गई। और जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बहुत अच्छे लेवल पे क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, वहां पे हम डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर करते हैं। नाउ नेक्स्ट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर, तो उसे बॉडी का क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। एज लाइक हीट, मतलब कि जैसे हीट जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी है, सेम चीज टेम्परेचर के साथ भी है। जो टेम्परेचर है, तापमान है, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फर्स्ट पॉइंट आपका इसमें मिल गया। सेकेंड, जैसे मैंने आपको हीट में सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट बताई थी, सेम चीज ऐसे ही हम टेम्परेचर में करेंगे। तापमान में भी क्या होता है, एसआई यूनिट होती है और सीजीएस यूनिट होती है, ठीक है। इसकी जो टेम्परेचर की जो कुछ बेसिक यूनिट्स हैं वो आपको गिवन है, लाइक केल्विन, फेरेनहाइट और सेल्सियस। तीनों ही डिग्रीज,
तीनों ही जो यूनिट्स है ये आपने सुनी हुई होंगी। केल्विन भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, फारेनहाइट को भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और सेल्सियस सबसे कॉमन सबसे फेमिलियर है जो आप या तो न्यूज में सुनते हैं या फिर जब अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। या फिर आप अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, उस टाइम पे आप सेल्सियस वर्ड को सुनते हैं। सो माई डियर व्यूअर्स, सबसे पहला और प्यारा सा क्वेश्चन जो मैं आप सभी पूछने वाली हूँ, वैसे तो आपको इसका आंसर पता होगा, 99% इसमें गलत ही आंसर देंगे, लेकिन एज आई नो कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे बहुत ही बढ़िया से कलाकार हैं तो आंसर सही देंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जब आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करवाते हैं, लाइक आप डॉक्टर के पास गए, आपको फीवर है, उस टाइम पे आपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करवाया, तो आपको मुझे कमेंट ये करना है कि जो आप टेम्परेचर मेजर करवाते हैं वो कौन सी यूनिट में करवाते हैं, मतलब जो आपका टेम्परेचर आता है ना उस टाइम पे थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर क्या होता है, ये कौन सा डिवाइस है, खैर ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करी हुई है, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज थर्मोमीटर, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं, और किस कितने कितने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किस टाइप के थर्मोमीटर का यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बाकी इस वीडियो में आपको इन तीन यूनिट्स में से एक यूनिट का आंसर देना है मुझे कि जब आप बॉडी टेम्परेचर को मेजर करवाते हैं तो उस टाइम पे कौन सी वाली यूनिट लेते हैं, क्या वो सेल्सियस में मेजर होता है, क्या वो फारेनहाइट में मेजर होता है, या फिर वो केल्विन में मेजर होता है। सो फटाफट से इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा। बाकी अभी मैंने आपको दोनों ही चीजों में, जैसे कि हीट और टेम्परेचर दोनों में, एक चीज तो आपको सबसे पहली जो याद रखनी है वो ये कि ये दोनों जो हैं ये स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और इसके अलावा इनकी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि गाइज यूनिट्स जो होती है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आपको डेफिनेटली ये तो याद रखना ही रखना है। सो वीडियो ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब जो मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इतनी मेहनत आप अभी अब करेंगे नहीं, बट आप इसको ना पॉइंट्स जो दो तीन पॉइंट्स मैंने बोले उनको याद रखिएगा। बाकी जो हीट एंड टेम्परेचर है ना ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है, तो ये आप एक बार भी रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पॉइंट में एग्जैक्टली क्या क्या कहना चाहते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक वीडियो को लाइक करिए, अगर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम तभी मिल सकते हैं जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, आपको पता चलेगा ओ माय गॉड फिजिक्स फैंटम पे एक और नई वीडियो आ गई है, तभी तो आप देख पाएंगे ना। सो प्लीज फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो है कॉमेंट करना है, वीडियो कैसी लगी है, कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या कुछ भी आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं ना, तो आपका मोस्ट वेलकम है। सो प्लीज लाइक तो डेफिनेटली कर ही देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।